आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड के लालटेन के 664वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये कितना सकरा रास्ता आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पर्वतों के बीच अगर आप देखेंगे तो कितना सकरा रास्ता और कितनी गहरी खाई नजर आ रही होगी। दरअसल ये मध्य प्रदेश में पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले पचमढ़ी का धूपगढ़ जाने का रास्ता है। सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी वैसे भी बहुत ऊपर है और पचमढ़ी में एक नदी बहती है जिसका नाम है देनवा। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु है। ये पचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊँचाई लगभग 4429 फीट 1352 मीटर है। धूपगढ़ सुबह और शाम के वक्त सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सैलानी बड़ी तादाद में आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 664वां एपिसोड। जिस तरह आपको किसी नेशनल पार्क में अगर आप जाते हैं तो जिप्सियों के जरिए आपको जाना होता है, आपको परमिट लेना होता है, उसी तरह का कमोबेश परमिट यहाँ पचमढ़ी में आप अगर टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं तो कुछ जगहों पर लेना होता है। जिप्सियों का की दरें भी अपनी निर्धारित हैं। यहाँ का रास्ता बहुत दुर्गम है, अब तो यहाँ काफ़ी सुधार हो चुके हैं। देखिए कितनी चढ़ाई है और लगातार पर्यटक जा रहे हैं, पर्यटक यहाँ से आ रहे हैं। और सड़क की दुर्दशा आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हो चुकी है यहाँ सड़क। किस बात का यहाँ पर पैसा वन विभाग के द्वारा लिया जा रहा है? देखिए सड़क कितनी जर्जर हो चुकी है। बारिश के लगभग पहले, ठीक पहले का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहे हैं। बारिश में तो और यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सड़कों के गड्ढे बता रहे हैं, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई ही नजर आती है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन का 664वां एपिसोड। सड़क पर लगे थिगड़े आप देख रहे होंगे, पास ही पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे होंगे। दरअसल ये सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हम मूलतः सड़कों पर ही आपको केंद्रित रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में चाहे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हों या अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, सड़क आप देख सकते हैं वो भी अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ने वाली या उतरने वाली सड़क, बहुत यहाँ की चढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी स्टीप, एकदम ये कहा जाए कि कई जगहों पर 45 डिग्री या 50 डिग्री तक का चढ़ाई का कोण बनता है, जो लोगों के द्वारा, चालकों के द्वारा यहाँ बताया गया। इतनी जबरदस्त चढ़ाई के साथ सड़कें अगर इतनी जर्जर होंगी तो यहाँ संतुलन बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। अनेक चालकों के द्वारा तो यहाँ तक कहा गया कि सर्कस के बाजीगर ही यहाँ पर वाहन चला सकते हैं। ये देखिए वाहन आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और सड़कों के गड्ढे आपको दिख रहे होंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कों का रखरखाव किस तरह से कर रही, किसी से छुपा नहीं है ये। और ये वन क्षेत्र के अंदर की सड़कें हैं, देखिए गड्ढे स्पष्ट तौर पर यहाँ नजर आ रहे हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी इससे कोई सरोकार नजर नहीं आता है कि आम जनता को होने वाली मुश्किलें, आम जनता जिन मुश्किलों से दो चार हो रही है, उन मुश्किलों को दूर कैसे किया जाए, इससे विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी कोई सरोकार नजर नहीं आता। सड़क आप देखिए, ऐसा लग रहा है कहीं गांव की ये सड़क हो, जबकि ये मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे स्थान पर हम जा रहे हैं, सबसे ऊंची चोटी की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पचमढ़ी का ये नज़ारा, और यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ जगहों पर पचमढ़ी में सड़कें अच्छी हैं, पर यहाँ की सड़कें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और कितने धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई जिप्सी आगे बढ़ती दिख रही होंगी। हरियाली की चादर ओढ़े पचमढ़ी का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। पचमढ़ी में कितनी ऊंची चोटी यहाँ दिखाई दे रही होगी। वास्तव में एक बार
मध्य प्रदेश के वन मंत्री को यहाँ आना चाहिए, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री को यहाँ आना चाहिए और मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए और अपने सारे मातहत अधिकारियों को लेकर आना चाहिए और यहाँ इसी तरह जिप्सी में बैठ के, जिस तरह एकाद रैंडमली जिप्सी सामने से बुलाई जाए, उसमें मुख्यमंत्री, वन मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री तीनों उसमें बैठें और उसके पीछे उनके विभागों के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और अन्य कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उप यंत्री तक के अधिकारियों को उनके पीछे बैठाला जाए और यहाँ यात्रा कराई जाए और ये बात उनसे कही जाए कि यहाँ पर्यटक, देश विदेश के पर्यटक आते हैं, वे मध्य प्रदेश विशेषकर, ये देखिए गड्ढा दिख रहा होगा आपको, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसे सारे गड्ढे रास्ते भर आपको मिलेंगे। हम बात कर रहे थे कि ये सारे अधिकारियों को सारे मंत्री लेकर आए, मुख्यमंत्री लेकर आए और उनको ये बात कही जाए कि मध्य प्रदेश में जो भी सैलानी आ रहा होगा वो मध्य प्रदेश की किस तरह की छवि लेकर यहाँ से जा रहा होगा। मध्य प्रदेश में आने के बाद ये लगभग 22-24 साल पहले की बात है जब सड़कें जर्जर हो हुआ करती थी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, और दिग्विजय सिंह आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ शासन रहा है। कितनी ऊंची पहाड़ी दिख रही है, इसे आप गगनचुंबी पहाड़ी का दर्जा भी दे सकते हैं, आप इसे गगनचुंबी पहाड़ी भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 664वां एपिसोड। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है पचमढ़ी, पिपरिया अनुविभाग के अंदर ये आता है। अगर आप सड़क मार्ग से पचमढ़ी पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए भोपाल से पिपरिया होकर पचमढ़ी पहुंच सकते हैं, नागपुर से छिंदवाड़ा होकर आप पचमढ़ी पहुंच सकते हैं, जबलपुर से सिवनी छिंदवाड़ा होकर आप पचमढ़ी पहुंच सकते हैं, नरसिंहपुर से भी छिंदवाड़ा होकर आप पचमढ़ी पहुंच सकते हैं, और रेल मार्ग से अगर आप पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो रेल मार्ग से पचमढ़ी के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पिपरिया है। हवाई यात्रा से अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो हवाई यात्रा में सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर, जबलपुर और भोपाल है। वैसे हवाई पट्टी छिंदवाड़ा और सिवनी में भी है, पर वहाँ पर व्यावसायिक उड़ानें, कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चलने के कारण आप जबलपुर, नागपुर या भोपाल, ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर्वत आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ सावधान लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा स्टीप यहाँ पर चढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है जैसा चालक के द्वारा बताया गया। आपको अगर विमान से आपको जाना है तो आप नागपुर, जबलपुर या भोपाल से आप सड़क मार्ग के जरिए आपको पहुंचना होगा। भोपाल, नागपुर, जबलपुर तक आप हवाई यात्रा के जरिए पहुंच सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 664वां एपिसोड। हमने आपको दिखाया किस तरह, ये देखिए एक बार फिर कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर चढ़ाई नज़र आ रही होगी। ये चढ़ाई आपको दिख रही होगी, सामने बादल भी दिख रहे होंगे आपको और बादलों के साथ पहाड़ियां भी दिखाई दे रही होंगी। आप देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे यहां पर चली आ रही हैं जिप्सियां, ये ऊपर चढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। लिमटी की लालटेन के किसी एपिसोड में हम आपको बाद में धूपगढ़ से नीचे उतरते वक्त भी कैसा नज़ारा होता है ये हम आपको दिखाएंगे। कोशिश हमारी यही है, हमने आपको विशाखापट्टनम की अराकू वैली के दर्शन भी कराए, आपको मुंबई में भी बहुत सारी चीज़ों को लिमटी की लालटेन में दर्शाया। एक बार फिर हम यहाँ दिखा रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें और जर्जर सड़कें, खूबसूरत पचमढ़ी, दिल को लुभाने वाली पचमढ़ी, दिल में हिलोरे मारने वाली पचमढ़ी के जो दृश्य हैं, दिल को आपके बहुत सुकून देने वाली पहाड़ों की रानी पचमढ़ी, जहां आप बारिश के समय अगर जाते हैं तो अलग ही नज़ारा आपको दिखाई देता है। पर इस सब के बीच में मखमल में टाट के पैबंद के मानिंद ये सड़क आपको दिखाई दे रही होगी। इस सड़क पचमढ़ी, चूँकि
पर्यटन क्षेत्र है, पहाड़ों की रानी है। मध्य प्रदेश के भाल पे एक माथे पे एक बहुत सुंदर सी बिंदी है, इसलिए इस पचमढ़ी के में हर चीज़ पर्यटकों के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ सड़क का निर्माण बहुत करीने से करना चाहिए और चाहे उसमें बीच में अगर चाहे तो ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाएं गति पर नियंत्रण रखने के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 664वां एपिसोड। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में सब पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।